हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। देखिए मॉर्निंग का टाइम है और सुबह से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अमरूद की चटनी और पूड़ी के साथ, क्योंकि बच्चों के लिए जल्दी जल्दी यही बना दे रही हूँ मैं। मेरे घर में ना अमरूद की चटनी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी, तो सबको मैंने खिला पिला के भेज दिया है। ये मेरा खाना है, मैं भी खा लेती हूँ। आज पूजा पाठ करने के बाद सीधे ब्लॉग स्टार्ट मैंने किया है। ये हो गई है दोपहर, 11:30 बज रहे होंगे। चूल्हे में बनने जा रहा है देसी खाना, सिंपल सा, गांव के जैसा। तो चलिए जल्दी से बना लेती हूँ सब्जी, चावल, रोटी। बच्चे और हस्बैंड आए उससे पहले मेरा खाना रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी खुश भी हूँ, कहीं जाने का निमंत्रण भी आया है मेरा। तो आप सब टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि साधना दी क्या कह रही है। और यहाँ चूल्हे में खाना बनाने का डिसीजन मैंने ले तो लिया है इन सबको खुश करने के लिए, लेकिन इतनी हालत मेरी यहाँ ख़राब हो रखी है। आग जल नहीं रही, हवा बहुत तेज़ तेज़ चल रही है, तो आई होप बना पाऊँ ढंग से। वैसे फ्रेंड्स सपने तो हम सभी देखते हैं, बट कोई कोई सपना हमारा कभी भी पूरा नहीं होता। कुछ सपने हमारे पूरे हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कुछ सपने मेरे पूरे होने वाले हैं। कभी भी हों, जब सपने पूरे हो जाते हैं जो हम बचपन से देखते हैं और हमारा वो सपना पूरा होता है, तो हमारा लगता है ना कि एक ऐसा ख्वाब पूरा हो गया है कि जन्नत हमको मिल गई है। तो ऐसे ही कुछ मैं बिलीव कर रही हूँ खुद के ऊपर कि देख साधना, तेरे सारे सपने लगता है सच होने वाले हैं। और कौन से सपने हैं, क्या सच हो रहा है, ये सब आप पूरा ब्लॉग देखोगे तभी पता चलेगा। देखिए इसमें मैंने हल्दी डाल दिया है और पिसी हुई धनिया और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के मिला दूँगी, अच्छे से बनाऊँगी। मतलब कैसे भी बनाऊँ मैं चूल्हे में खाना, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब भी मैं बनाती हूँ चूल्हे में खाना, सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब कैसे भी बना दूँ, नॉर्मल हो या जैसे भी हो, बच्चे कहते मम्मी आज का खाना बहुत अच्छा है। आप लोगों ने भी बड़े बुजुर्गों से सुना होगा ना, सब्जी जितना भूंज लो, जितना अच्छे से पका लो पानी डालने से पहले, उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनती है। ये सच है फ्रेंड्स, क्योंकि कभी मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ ना, तो मेरी सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं होती। जब मैं अच्छे से भूनती हूँ तो सब्ज़ी सौंधी होती है, स्वादिष्ट भी बनती है, मसाले वही पड़े रहते हैं, कोई एक्स्ट्रा मैं नहीं डालती। तो जो बुज़ुर्ग कहते हैं ना, कोई भी बात हो, चाहे सब्ज़ी की हो, खाने की हो, कोई भी बात हो, जो भी हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है, उनका नॉलेज होता है, हमें उसे कभी झुठलाना नहीं चाहिए। क्योंकि वो बातें किसी भी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में नहीं बताई जाती है, वो हमारे बुज़ुर्ग ही बताते हैं और बिल्कुल राइट होता है। तो कभी उनकी बातों का अनदेखा ना करें, उनकी भी बातें सुन लिया करें, क्योंकि सुनना ज़रूरी है। देखिए खाना बन गया है, बच्चे लोग अभी नहीं आए हैं तो मैं खा लेती हूँ, मुझे लगी है भूख, क्योंकि चूल्हे का खाना मज़ेदार होता है मेरे लिए। चलिए खा लेती हूँ, फिर बच्चे आने वाले हैं, मिलती हूँ आप लोगों से, बताती हूँ निमंत्रण कहाँ से आया। बच्चा पार्टी आ गई स्कूल से, निमंत्रण पाल रही देख, इन सबको ना निमंत्रण मिल जाए, मतलब कार्ड मिल जाए तो इतनी खुशी होती है, खाने से ज़्यादा होती खुशी जाने की, कहीं चलेंगे घूमने वगैरह। तो ये कार्ड जो आया हुआ है, ये तो पास में ही शादी है तो वहाँ से आया हुआ है, इनके हस्बैंड के रिलेटिव हैं, मतलब दोस्त वगैरह। लेकिन मुझे निमंत्रण पर्सनली आया है मेरी दीदी के यहाँ से, मेरी दीदी की जेठानी की लड़की की शादी है। वो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में ही उनका घर है, कारोबार है, सारा कुछ है, तो दिल्ली से ही वो लोग शादी कर रहे हैं, गांव से नहीं करेंगे। मेरी दीदी जो हैं सगी, वो गांव में रहती हैं और जेठानी उनकी शहर में रहती हैं दिल्ली में, उनका वहीं सारा कुछ है। तो वहाँ से निमंत्रण आया है, दीदी ने फ़ोन किया था, जेठानी ने दीदी के, कि साधना तुम्हारा निमंत्रण है, तुम आ जाओ यहाँ। तो 9 मार्च को बारात है लड़की की, लड़की ने भी फ़ोन किया, मौसी आप आ जाओ, मज़ा आएगी, आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा बेटा देखो आऊँगी तो आ जाऊँगी, मेरे भी सपने पूरे हो जाएंगे। यहाँ मैं खाना निकाल रही हूँ बच्चों के लिए, तीनों आ गए हैं, मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें दिल्ली में हैं ऐसी जो मैं देखना चाहती हूँ, मेरा ख्वाब था, मेरा सपना था, तो इसी एक रीज़न की वजह से मैं घूम भी लूँगी और शादी भी अटेंड कर लूँगी और बहुत कुछ हो जाएगा।
बट देखती हूँ जाती हूँ कि नहीं, वैसे जाना ज़रूरी है। सब कुछ मैंने बनाया है बट बच्चे बोले मम्मी सब्जी चावल ही खाना है, तो इनको मैं निकाल देती हूँ, इनका फेवरेट है सब्जी चावल। आज मैं तो पूरा व्यंजन खाई हूँ, चलिए मिलती हूँ। बच्चे खाना खा रहे हैं, उनको मैंने निकाल दिया है, कपड़े बहुत ज़्यादा रखे हुए। फ्रेंड्स पता नहीं आज मेरा मन ही नहीं है, सैटरडे है, कपड़ा धुलने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो पता नहीं धुलूँगी कि नहीं धुलूँगी, रखे हुए अगर नहीं धुलूँगी तो संडे के दिन धुलूँगी। फिलहाल जा रही हूँ, इन सबको मैंने खाना दे दिया है, करूँगी आराम, ये लोग खाएँ, कपड़े जाए भाड़ में। जब मन नहीं है, तबीयत नहीं सही, तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं। तो वैसे भी आज मैंने चूल्हे में खाना बनाया था, तो वैसे मैं थक सी गई हूँ, चूल्हे में आग जलती है, धूप ऊपर से थी, हालत एकदम हो गई है टाइट। तो होता रहेगा, काम तो मेरा ही करना मुझे ही है, तो आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, तो कल करूँगी, आज मैं भी करवा दूँगी। हाँ वो भी करवा देगी, खुशी बोले और करवाती कुछ नहीं है, एक भी काम नहीं करवाती एक भी। ये देखिए बस कह रही है कि मैं भी करवा दूंगी, एक काम नहीं करवा सकती। मान लो अगर एक गिलास पानी मांग लो ना, तो उतना ही दे दे, बड़ा काफ़ी है। वो भी बोलेगी मम्मी आप मुझे उस दिन नहीं दी हो ना, तो अगली बार मुझे देना ज़रूर, ये आज मैं आपको दे रही हूँ, ऐसा कुछ जवाब होता है इन बच्चों का। खैर चलिए, तो देखिए बच्चों के साथ मस्ती भी हो गई। इधर मैंने जो कहा था ना कि कपड़े नहीं धुलूंगी, तो कपड़े मैंने धुल लिया है, क्योंकि कल संडे है, धुलना तो है ही, सुबह से धुलना पड़ेगा, इसलिए धूप थी, बच्चे भी टाइम से आ गए थे, तो मैंने सोचा डाल दूँ धुल के, सूख जाएंगे। ये देखिए ड्रेस वगैरह सब साफ़ कर दी हूँ, तो कल मुझे थोड़ा सा आराम रहेगा। ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है ना, एक टब एक बाल्टी इतने सारे कपड़े थे, और धुलते धुलते 1.5-2 घंटे लग गए मुझे। सच में मुझे ज़रूरत है वॉशिंग मशीन की, क्योंकि मेरे घर में कपड़े बहुत निकलते हैं, शायद सभी के यहाँ निकलते होंगे, बट मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा धुलना पड़ता है, बहुत जल्दी सूखेंगे। हवा भी चल रही है, धूप भी है। चलिए इधर का काम मैंने पूरा निपटा लिया है, अब चलते हैं चाय पी लेते हैं गर्मा गर्म। चाय पीने के बाद थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी। और सच में फ्रेंड्स ये मेरा ख्वाब है कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों कहीं तीर्थ स्थान पे जाएं। इस एज में जब बुढ़ापा आता है तब तो हम जाते ही हैं, बट तब नहीं मज़ा आता। इस एज में जाएं कि हम थोड़ा सा अच्छे से चल पाएँ, इंजॉय कर पाएँ, दर्शन कर पाएँ, क्योंकि मेरा एक ही ख्वाब है कि मैं तीर्थ स्थान पे भगवान के दर्शन के लिए जाऊँ। वो होटल में खाना खाना, फिल्म देखना, ये सारा मेरा ख्वाब नहीं है, ना मुझे ये सारी चीज़ें पसंद है। देखिए शाम की पूजा हो गई है, बस यही ख्वाब है कि दर्शन करूं, गंगा नहाने जाऊं, मतलब भगवान से रिलेटेड जगहों पे जाऊं साथ में, बस ये ख्वाब है। पता नहीं ये वाले ख्वाब कब पूरे होंगे, पता नहीं, क्योंकि हस्बैंड मेरे ना थोड़े इस टाइप के नहीं हैं, उन्हें ज़्यादा घूमना दर्शन करने जाना ये सब पता नहीं क्यों ज़्यादा नहीं पसंद है। खैर प्रभु की कृपा होगी तो सारे ख्वाब पूरे होंगे। चलिए फिर ये शाम का खाना बन रहा है, मैं मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।